हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं कोई भी नंबर्स को। सपोज एक्सपेरिमेंट में कोई वैल्यू मिल गया आपको, उसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं उसका जो रूल्स वगैरह है उसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन की मदद लेंगे। ठीक है, लेट्स एज्यूम आपने आपका बड़े भाई से पैसा उधार लिया। कितना लिया? 87 रुपीज लेट्स से। ठीक है, तो उन्होंने कहा आपको कि राउंड ऑफ करके इसको कितना देना? 100 रुपीस दे देना। ठीक है, रिटर्न करना 100 रुपीस। तो क्या आप 100 रुपीस रिटर्न करोगे? बोलो, करोगे कि नहीं? नहीं करोगे? आप थोड़ी बेवकूफ बनोगे? नहीं ना। आप क्या करोगे? उसको बोलोगे कि पहले मैं राउंड ऑफ करने के रूल्स वगैरह सीखूंगा, उसके बाद राउंड ऑफ करूंगा, फिर लौटाऊंगा। है कि नहीं? स्मार्ट हो ना? ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, राउंड ऑफ करने के जो रूल्स होते हैं उसको समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो पहला रूल है वो कहता क्या है। तो पहला रूल कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मतलब क्या है? सपोज एक नंबर है 2.34। ओके, तो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करने दिया अप टू 2 डिजिट। ओके, क्वेश्चन में देगा अप टू 2 डिजिट राउंड ऑफ करने के लिए दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये 4 को हटाना होगा। ऐसे तो नहीं हो सकते ना, उसके लिए रूल्स को देखना होगा। तो रूल क्या कहता है, तो अगर ये डिजिट लेस देन 5 हुआ तो हम ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 2.3। ठीक है, तो क्यों लिखा ये 2.3? क्योंकि ये जो डिजिट है जिसको ड्रॉप करना है वो डिजिट लेस देन 5 है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, जो है वही लिखते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जो नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है। ओके, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 5 हुआ जिसको हम लोग ड्रॉप करेंगे वो डिजिट ग्रेटर देन 5 हुआ। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3.47। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको भी राउंड ऑफ करने दिया अप टू 2 डिजिट्स। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसको ड्रॉप करना होगा। तो रूल क्या कहता है, अगर ये जो नंबर जिसको ड्रॉप करना है वो नंबर ग्रेटर देन 5 हुआ, है कि नहीं? 7 तो ग्रेटर देन 5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 की जगह पे लिखेंगे 5। ठीक है, तो इसका मतलब 4 को प्लस 1 कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है। आया समझ में? ओके, इजी है ये सर। तो नेक्स्ट जो नंबर है, नंबर 2, उसको देख लेते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by non-zero digits, ठीक है? मतलब ऐसे एक example ले लेते हैं, 4.35 कुछ लिख देते हैं 4, ठीक है? यहाँ पे suppose आपको बोला round off करो up to 2 digits, okay? up to 2 digits round off करो, ठीक है? तो इसको ऐसे कर देते हैं 2 digit तक round off कर लेते हैं। तो अब क्या करोगे? अब rule लिखोगे। rule क्या कहते हैं? तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ये 5 को और 4 को ड्रॉप करना होगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ये 5 को देखेंगे। क्या देखेंगे? कि 5 के बाद जो डिजिट है जो कि 4, ये डिजिट नॉन जीरो है कि नहीं। मतलब 5 को जिस डिजिट ने फॉलो कर रहा है वो डिजिट नॉन जीरो है कि नहीं। ऑफकोर्स यहाँ पे ये नॉन जीरो डिजिट है जो 5 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस रूल नंबर 3 को अच्छे से पढ़ेंगे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ओके, तो हम लोगों को ड्रॉप करना है 5। ठीक है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तो क्या है, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है जो कि 4, फाइन। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तब क्या करेंगे, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है, आगे की डिजिट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, फाइन। तो ये जो नंबर आएंगे राउंड ऑफ करने के बाद क्या होंगे, 4.4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल जो है, ये रूल बड़े ही इंटरेस्टिंग है, बड़े ही काम की है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो रूल है नंबर 4, वो क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट
इज लेफ्ट अनसेंस्ड इफ इट इज इवन, ठीक है। तो अगर वो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसे एक एग्जांपल 3.25, ओके, तो ये एग्जांपल है, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डिजिट, तो क्या बन जाएंगे, रूल क्या कहता है, देखो अगर 5 को ड्रॉप करना है, ओके ये डिजिट 5 है, इसको ड्रॉप करना है, तब क्या होंगे, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनसेंस, प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मतलब 2 को कुछ नहीं करेंगे, कब, अगर ये 2 इवन है, ओके तो प्रीसीडिंग डिजिट, ये अगर डिजिट इवन है तो हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, आंसर 3.2 होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है 5 के आगे की डिजिट वो क्या है, इवन डिजिट है, ठीक है। तो अभी लास्ट नंबर यानी 5 नंबर को देख लेते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर ऑड नंबर हुआ, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये अगर ऑड होता तो क्या होता, तो उसको हम लोग इंक्रीज कर देते 1 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं, एक नंबर है 4.35, ओके, तो अगर आपको यहां पे अप टू 2 डिजिट राउंड ऑफ करने दिया, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, 5 को यहां से रिमूव करना होगा, ड्रॉप करना होगा, ठीक है। तो अगर ये 5 के आगे जो नंबर है, मतलब प्रीसीडिंग नंबर है, ये अगर ऑड हुआ, ऑफ कोर्स यहां पे क्या है, ऑड है, ठीक है, तो ऑड होने से हम लोग क्या करेंगे, इसे इंक्रीज कर देंगे 1 से, लेकिन यहाँ पे ये 5 होना जरूरी है, ठीक है। तो जो डिजिट ड्रॉप करेंगे, हाँ, वो डिजिट अगर 5 हुआ, ओके, तब ये केस होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, और 5 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये क्या बन जाएंगे, 4.4 बन जाएंगे, ठीक है, 4.4 बन जाएंगे, समझ में, इजी है ये सब, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आराम से समझ में आ जाएंगे। तो अभी मुझे बताओ, ये जो आपको रिटर्न करना था ना भैया को पैसा, कितना रिटर्न करोगे यहाँ पे बोलो, हाँ देखते, ये जो 87 लिया था ना, रिटर्न कैसे करोगे, कितना करोगे, 87 है ना, तो यहाँ पे आप रिटर्न करोगे 90, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए इस डिजिट को देखोगे, ओके, ये डिजिट जो है ये कितना है, ग्रेटर देन 5 है, ओके, तो अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो रूल क्या कहता है, ओके, तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम उसको इंक्रीज बाय 1 करेंगे, ठीक है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 5, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये 8 था, क्या बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो आप कितना रिटर्न करोगे, 90 रुपीज, ठीक है, तो मैंने आप लोगों का 10 रुपया बचा लिया, है कि नहीं, तो मुझे त्रित देना आप लोग को। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हाँ हो गया, तो मैं मिटा दूं इसको, ओके, तो रूल्स को नहीं मिटाएंगे, उसको देखते देखते हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, ओके, द फॉलोइंग, ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि 18.35 अप टू 3 डिजिट्स, ठीक है, तो हमें अप टू 3 डिजिट राउंड ऑफ करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, इसको 5 को, ठीक है, तो रूल क्या है, जिसको ड्रॉप करने हैं अगर वो 5 है, ओके, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे 1 से, कब, डिपेंड करेगा वो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ऑड है, ठीक है, तो ये क्या है, ऑड है, जो है प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, तो क्या होंगे यहाँ पे रूल कौन सा लिखेंगे, इफ इट इज ऑड, ठीक है, ये वाला रूल लिखेंगे।
सो जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट क्या है ऑड है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे उसको इंक्रीज करेंगे 1 से, ठीक है, तो हम लोग 3 को इंक्रीज करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आएंगे, आंसर आएंगे 18.4, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जिसको ड्रॉप करना था वो 5 है, ओके, और जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो ऑड है, ठीक है, अगर ये इवन होता, ठीक है, तो क्या करते हम लोग उसको वैसे ही रख देते, ठीक है, इवन होने से हम लोग उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, अगर ऑड है तो उसको क्या करेंगे 1 से इंक्रीज करेंगे, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन है 143.45 up to 3 ओके, अप टू 3 डिजिट, इसको हमें राउंड फिगर करना है, ठीक है, तो अप टू 4 डिजिट से लेते, तो क्योंकि हमने 3 किया ना, तो यहाँ पे 4 डिजिट कर लेते हैं, है ना, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करना है किसको, इसको 5 को, ठीक है, तभी तो 4 डिजिट होंगे ना, 14, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, 143.5, ओके, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो 5 है, 5 को ड्रॉप करना होगा, ठीक है, तो रूल क्या है, जिसको ड्रॉप करना है वो अगर 5 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है ये इवन है, ठीक है, तो हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे, इट इज इवन और ऑड, हमें यहाँ पे क्या मिला, आंसर है इवन, ठीक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वो आंसर रहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नंबर 4 रूल, ओके, इफ इट इज इवन तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर कितना आएंगे, आंसर आएंगे इसका 143.4, ठीक है, तो अप टू 4 डिजिट इसको हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया, ठीक है, तो हम लोग अच्छे से रूल्स को समझ लें, तो अभी हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे डेसिमल नहीं होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन है 3 नंबर, लेट्स से 2483324837, ओके, तो अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट इसको हमें राउंड फिगर करना है, ओके, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आपने पापा को उधार दिया, कितना पैसा, 2 लाख, नहीं नहीं 2 लाख नहीं, यहाँ पे अगर और पे एक 3 लगा दूं तो अब ये 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है, तो आपने उधार दिया 2,48,337 रुपीस, ओके, बड़े अमीर हो ना, तो इतना रुपीस अपने पापा को उधार दिया, ठीक है, तो पापा को बोला कि आप मुझे राउंड फिगर कर दें, 2.5 लाख दे देना, ठीक है, तो पापा देगा आपको, हाँ बोलो देगा कि नहीं, नहीं देगा, पापा भी तो बाप होते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे आपको इसको अच्छे से राउंड फिगर करो, उसके बाद जो रियल में राउंड ऑफ वैल्यू आएंगे उसको दे दूंगा, है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको इसको राउंड फिगर करना होगा, ठीक है, राउंड ऑफ करना होगा, तो हम लोग इसे राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद पापा को देंगे, पापा उतना अमाउंट हमें रिटर्न करेगा, तो देखो आंसर क्या है, यहाँ पे अप टू 3 डिजिट बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को फोकस करेंगे, ओके, तो ये 3, ये जो 3 है यहाँ तक हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, बाकी ये सब ड्रॉप करना है, तो ये 3 5 से लेस देन है कि नहीं, ओके, तो दिस 3 इज लेस देन 5, तो रूल नंबर कौन सा काम आएंगे, देखो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, तो हमें ये डिजिट ड्रॉप करना है और ये डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, फाइन, तो हम क्या करेंगे, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, फाइन, तो ये जो आगे का प्रीसीडिंग डिजिट है इस डिजिट को हम लोग अनचेंज रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, अगर अगर ये जो डिजिट जिसको ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, ठीक है, तो हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट को कुछ नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएंगे, 248000 आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आपका लॉस हो गया, कितना रुपीस, 337 रुपीस, ओके, तो आपको आपको कितना रुपीस देंगे पापा, 248000, ओके, तो गया आपका 337 रुपीस, जो भी लॉस हुआ तो क्या हम लोग तो सीख गए ना, ओके, तो हम लोग अभी और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है,
ओके मैं इसको मिटा लेता हूं। तो क्वेश्चन लेट्स से नंबर 4, ठीक है, ये है कि 12.653 अप टू 3 डिजिट्स, ओके, तो इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स, इसका मतलब इन दोनों को यहां से ड्रॉप करना है, लेकिन हम फोकस कहां पे करेंगे, इस पे करेंगे, ओके, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और इफ दिस 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, तो इसको कौन फॉलो कर रहा है, 3 फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, 5 को, ठीक है, तो जो फॉलो कर रहा है वो अगर नॉन जीरो है तो कौन सा रूल अप्लाई होंगे, बोलो, देखो बोलो, तो यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई होंगे, अगर वो जो फॉलोइंग डिजिट है वो नॉन जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, तब क्या हो जाएंगे, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको हम लोग 1 से इंक्रीज करेंगे, तब जो आंसर आएंगे वो होंगे 12.6 कितना आएंगे 7.5 को तो ड्रॉप करना है ना, क्यों लिखूंगा यहाँ पे, ये लिखूंगा, तो हम लोग को जो आंसर आएंगे वो आएंगे 12.7, फाइन, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होंगे, 1 से इंक्रीज होंगे, कब, अगर ये जो 5 है उसको फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, एक नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर रहा है, फाइन, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो है नंबर 5, ठीक है, एक काम करो ना, 5 को आप होमवर्क कर लो, है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना आता है कि नहीं आंसर, ओके, तो मैं दे देता हूं क्वेश्चन 3 2 1.135, ओके, अप टू 5 डिजिट, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 5 डिजिट, ओके, और एक ले लो होमवर्क, है कि नहीं, अभी प्रैक्टिस करना फिर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, नंबर 6 दे रहे थे 5 2.316, ओके, तो इसको राउंड ऑफ करना अप टू 3 डिजिट, ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है, आराम से करना, अच्छे से करना, अभी कर लेना, क्या ये वीडियो को पॉज करो, कर लो, है कि नहीं, तो हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट्स, ये टॉपिक, ठीक है, तो अच्छे से आई होप समझ में आ गया सबको, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, एरर्स कितने टाइप्स का होते हैं, कौन कौन सा एरर्स होते हैं ना, तो जैसे रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी एरर होता है, कुछ पर्सन का भी एरर होता है ना, जो केयरलेसनेस की वजह से, वो सब हम लोग सिस्टमेटिकली ग्राफिकली या एक मैप बना के अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को वो पिक्चर याद रह जाए, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, तो तब तक आप लोग आंसर करो, ठीक है।